वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज वीडियो में हम बात करने वाले रिगार्डिंग द सेकंड काउंसलिंग, सीईटी के सेकंड काउंसलिंग से जुड़ी हुई बातें हम डिस्कस करेंगे, लाइक द अपग्रेड ऑप्शन, विलिंग ऑप्शन के बारे में, और कैसे अपडेट हमें करना है, कंप्लीट क्या प्रोसीजर रहने वाला है, चॉइस फिलिंग से रिगार्डिंग भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। एंड इट्स लाइक हाफ टाइम रिमेनिंग है, हाफ टाइम जा चुका है एंड अभी तक जो है ऑप्शन को यहाँ पर बिल्कुल अवेलेबल नहीं कराया गया है। जब कराया गया है तो उसमें जो है बिल्कुल भी सेव नहीं हो रहा है, या फिर मैं बोलूँ कि टेक्निकल एरर हमें देखने को मिल रहा है। तो सभी बातें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं उन कैंडिडेट्स को बता दूँ जिन्होंने जो है ये नहीं पता कि कहाँ से हमें फिल कर लेना है, तो मैं बता देती हूँ कि हमें ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट है uhsrcounseling.nonpaperform.com, ठीक है। इधर आने के बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पर नेम और ईमेल एड्रेस वगैरह जो है, यहाँ पर ईमेल एड्रेस एंड सॉरी यूज़र आईडी और पासवर्ड से जो है तुम्हें लॉगिन यहाँ पर हो जाना है। एग्जिस्टिंग यूज़र और लॉगिन पे तुम क्लिक करोगे तो तुम यहाँ से लॉगिन हो जाओगे, ठीक है। तो लॉगिन होने के बाद ही तुम्हारे जो सारे फंक्शंस होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ से जाकर ही तुम्हें यहाँ पर मिलने वाला है ऑप्शन। तो बात कर लेते हैं कि हमें ये जो है 10 से स्टार्ट होना चाहिए था एंड 10 भी चली गई, 11 भी चली गई, आज 12 है। तो आज एंड कल का सिर्फ दिन बचता है, तो अभी तक जो है कुछ भी बिल्कुल सही नहीं किया गया है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है इसकी डेट जो है एक्सटेंड रहने वाली है, 2 दिन की जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी जाएगी, बिकॉज 2 दिन जो है अभी लग चुके हैं एंड कुछ भी यहाँ पर नहीं हो पाया है। तो उसके लिए तुम्हें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, डेट एक्सटेंड कर दी जाएगी। एंड बात करें कि क्यों नहीं सेव हो रहा था, तो लाइक जैसे कि हमारी फर्स्ट राउंड में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, ऐसे ही सेकंड राउंड में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली जो है आज यहाँ पर ठीक हो जाएगा। बट आज भी मॉर्निंग में मैं नहीं बोलूँगी, कुछ टाइम तो आज भी लगने वाला है, टाइम तो लग जाएगा, बट आज जो है 100% ये चीज़ जो है ठीक हो जाने वाली है कि यहाँ पर जो ऑप्शन वगैरह सब कुछ आराम से फिल, मतलब कि तुम सेव भी कर पाओगे एंड ये सारी बातें जो है लाइक तुम आराम से कर पाओगे। बात करें विलिंग के ऑप्शन के बारे में कि विलिंग का ऑप्शन किसको करना है या फिर किसको नहीं करना है, विलिंग का ऑप्शन सबको मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसके रिगार्डिंग काफ़ी डाउट्स थे। तो मैं बता देती हूँ, विलिंग का ऑप्शन या फिर अपग्रेड का जो ऑप्शन है वो सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने फर्स्ट राउंड में एडमिशन ले लिया है, ठीक है। लेट्स सपोज किसी का फर्स्ट राउंड में हो गया था एंड उसने एडमिशन भी ले लिया है, तो अभी जो है वो अपग्रेड करना चाहता है अपनी रैंक को, तो वो विलिंग का या फिर अपग्रेड का ऑप्शन जो है सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए, फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। फ्रेश कैंडिडेट को जो है सेम प्रोसीजर फॉलो करना होगा जैसे कि हमने फर्स्ट राउंड में किया था, ठीक है। एंड फ्रेश यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को अपडेट करना होगा, उससे कंप्लीट जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर जो है फिल करनी होगी। बट जो भी कैंडिडेट पहले ले चुका है तो वो सिर्फ अपनी जो रैंक है उसको ही अपडेट करना चाहेगा, उसको कॉलेज तो पहले ही अलॉट हो चुका है एंड वो ले भी चुका है, तो सिर्फ उसी कैंडिडेट को जो है अपग्रेड का या फिर विलिंग का ऑप्शन अवेलेबल होगा। तो बात करें क्या विलिंग का ऑप्शन सबको अवेलेबल होगा, हाँ 100% सभी उन कैंडिडेट्स को अवेलेबल होगा जिनका पहले एडमिशन हो चुका है, ठीक है। सिर्फ जिनका एडमिशन हो चुका है उनको, और जिनका पहले नहीं हुआ है या फिर नहीं लिया था उनको जो है एक फ्रेश न्यू ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। तो कैसे ही यहाँ पर जो है तुम्हें मिलने वाला है ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन तो तुम्हें दिख ही जाएगा, तो सेम मैंने तुम्हें समझा दिया है कि ऑफिशियल पे स्टिक रहना है, ऑफिशियल पे जाकर तुम्हें लॉगिन हो जाना है। और भी तुम्हें डाउट्स है अगर रिगार्डिंग द सेकंड काउंसलिंग या फिर किसी और टॉपिक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में अभी मेंशन करो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड बताओ नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।